सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज़, आप देख सकते हो मैंने अपने Redmi Note 7 एंड 7S में यहाँ पे Kang OS को इंस्टॉल कर लिया, जिसका वर्जन है 2.1 एंड ये ऑफिशियल वर्जन है। तो इसके बारे में आज आप लोग को रिव्यू देने वाला हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो यार गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, गाइज सब्सक्राइब कर दो गाइज, ओके। एंड अगर कोई क्वेरी आती हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, आप देख सकते हो यहाँ पे Kang OS 2.1 एंड यहाँ पे ऑफिशियल वर्जन है, Redmi Note 7 आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो जो MIUI 12.5 का जो आपको सेटिंग्स देखने को मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि एंड्रॉयड वर्जन आपको 11 देखने को मिल जाता है यहाँ पर, बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे देख सकते हो सिक्योरिटी पैच बिल्कुल लेटेस्ट है। एंड यहाँ पे Nexus EAS न्यू कर्नल कोई यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी यहाँ पर। एंड इसी और यहाँ पे देख सकते हो कि आपको स्टेटस बार कुछ तरीके का देखने को मिलता है, बिल्कुल UI एकदम न्यू है यहाँ पर, तो काफी अच्छे से जो है ये रोम काम कर रहा है इसमें। उसको मैंने काफी दिन से यूज किया है तो बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। अगर हॉटस्पॉट ब्लूटूथ और वाईफाई की बात करूँ तो पहले सबसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप सारे को कर लेता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाओगे काफी अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। FPS ओवरले का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। सो गाइज इस तरीके से जो है आप लोग कर पाओगे, ओके। सो अभी देख सकते हो यहाँ पर वाईफाई ब्लूटूथ एंड यहाँ पर मैं हॉटस्पॉट की अगर बात करूँ तो देख सकते हो यहाँ पे तीनों एट द सेम टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो काफ़ी अच्छे से जो है ये काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट में। एंड यहाँ पे देख सकते हो इसकी UI बिल्कुल ही चेंज है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ पे। एंड कस्टमाइजेशन तो बहुत ज़्यादा है इसमें, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो Kangiz लैब में अगर आप जाओगे तो देख सकते हो यहाँ पे भर भर के कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर पाओगे। लाइक स्टेटस बार में देख सकते हो यहाँ पे 4G आइकन है एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वोल्टी कौन सा रखना चाहते हो वो सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, बैटरी परसेंटेज व्हेन चार्जिंग, बैटरी स्टाइल आपको देखने को मिलता है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। बैटरी परसेंटेज एनेबल रखना है डिसेबल रखना है, वो सारी चीज़ें हैं। एंड और भी सारे ऑप्शंस, क्लॉक सेटिंग है देख सकते हो यहाँ पर, ट्रैफिक इंडिकेटर है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। क्विक सेटिंग्स में जाओगे तो देख सकते हो यहाँ सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, आप इसको चेकआउट कर पाओगे अपने हिसाब से जो भी आपको करना है गाइस। एंड यहाँ पे बटन्स में देख सकते हो, यहाँ पर बटन्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर पाओगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी गाइस। एंड यहाँ पे देख सकते हो लेआउट का कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे देख सकते हो पिक्सल्स एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे वॉल्यूम पैनल को भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, देख सकते हो यहाँ पर। सो अभी इस तरीके का देखने को मिल रहा है, अगर MIUI करना है तो MIUI कर लो, एंड एक बार रिस्टार्ट करोगे तो आप जो है इसको ये चेंज हो जाएगा। अभी देख सकते हो यहाँ पे दोनों आ रहा है एक साथ, सो आप देख सकते हो यहाँ पे MIUI का आने लगा है। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। वॉल्यूम स्टेप्स आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलता है, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं गाइस। एंड्स में आप जाओगे देख सकते हो यहाँ पे, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ पे इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड लॉक स्क्रीन में जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ट्रांसपेरेंट नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलता है, एंड यहाँ पे देख सकते हो वेदर स्टाइल, एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, LS चार्जिंग एनिमेशन, सो यहाँ पे फ्लैश है, बैटरी है, ड्रॉप है, एंड यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो एक बार मैं आपको चेक करा के दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं चार्जिंग लगाता हूँ यहाँ पर फ़ोन को, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ अलग ही एनिमेशन आपको देखने को मिलेंगे, देख सकते हो यहाँ पर। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ एनिमेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पर। सो इसी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो, लाइक अभी देखो बैटरी मैं कर दे रहा हूँ, सो यहाँ पे देख सकते हो बैटरी आने लगा। एंड यहाँ पर अगर आप फिर चेंज करोगे लाइक ड्रॉप कर दोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ड्रॉप का कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ सो आप देख सकते हो यहाँ से आप इसको काफ़ी अच्छे से चेंज कर पाओगे, देख सकते हो गाइज यहाँ पे मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से ये सारे भीग गए हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं लाइट पंखा बंद करके जो है वीडियो को बनाना पड़ता है, क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ जाता है गाइज इस वजह से। सो अभी देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, यहाँ पे वाटर का भी ऑप्शन है, तो अगर वाटर का आप सेट कर लोगे तो वहाँ पे सेट वो वही चीज़ आएगा, ठीक है। एंड देख सकते हो और भी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, एनिमेशंस के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, सो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एनिमेशंस को भी चेंज कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड मिसलेनियस में जाओगे तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, कस्टमाइज राउंडेड कॉर्नर एंड गेमिंग मोड का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, स्मार्ट पिक्सल्स का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, एंड और भी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, अपने हिसाब से कर पाओगे। एंड म्यूजिक के ऑप्शन आपको अलग से देखने
देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ कर पाओगे काफ़ी अच्छे से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी गाइज़। एंड थीम्स में जाओगे तो देख सकते हो थीम्स में बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जो है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हो पैनल बैकग्राउंड स्टाइल एंड यहाँ पे स्विच स्टाइल के आप रखना चाहते हो, राउंडेड कॉर्नर का ऑप्शन देखने को मिलता है, एक्सेंट कलर आप यहाँ से पिक कर सकते हो अपने हिसाब से, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिस्प्ले में जाओगे तो देख सकते हो डिस्प्ले में कुछ इस तरीके का यहाँ पे एनिमेशंस आपको देखने को मिलता है। एंड सेटिंग्स डैशबोर्ड आइकन है, यहाँ पे कॉन्ग ओएस सेटिंग्स बैकग्राउंड आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। नाइट लाइट की अगर बात करूँ तो नाइट लाइट यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है गाइज। एंड वॉलपेपर में अगर जाता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे और भी सारे ऑप्शंस हैं, इमेज इनेबल ब्लर्स है एंड टेक टैप टू वेक का भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है, तो देख सकते हो टैप टू वेक अच्छे से काम कर रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। एंड अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी की, तो फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एंड ऐप लॉकर का भी ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ कर पाओगे। अगर बात करूँ साउंड्स की, तो साउंड्स में सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं, मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आएगी गाइज़, ओके। एंड अगर सिस्टम में जाते हो तो देख सकते हो यहाँ पर आपको जेस्चर्स का ऑप्शन मिलेगा, एंड यहाँ पर पावर मेन्यू का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर सिस्टम नेविगेशंस का है, तो यहाँ पर बटन्स के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं तीनों यहाँ पर, सो अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर फुल स्क्रीन जेस्चर्स आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जो है आप इसको यूज़ में ले सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, सो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। एंड इसकी यूआई आप देख सकते हो बिल्कुल ही चेंज है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो गाइज। इसमें जी एप्स आपको इंक्लूडेड देखने को मिल जाएंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे प्ले स्टोर आपको देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे कैमरा आपको जो है गूगल कैमरा देखने को मिल जाता है इसमें, तो आप काफ़ी अच्छे से जो है इसको यूज़ कर पाओगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आई है गाइज। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर की, तो देख सकते हो यहाँ पे रेट्रो म्यूजिक प्लेयर कुछ आपको देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, एंड काफ़ी अच्छा जो है म्यूजिक प्लेयर है यहाँ पे, एंड इसमें वोल्टी परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से जो है इसको यूज़ कर पाओगे गाइज। तो सो ओवरऑल इसमें जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ कर पाओगे, बहुत अच्छी रोम है, सो गाइज आप इसको यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे इसका स्टेटस बार कुछ इस तरीके का है, जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे काम कर रहा है। वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट भी अच्छे से काम कर रहा है, मैंने आपको बता दिया है, तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है देख सकते हो। सो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड इसको इंस्टॉल कैसे करना है मैं बता देता हूँ, तो इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है रिकवरी मोड में बूट हो जाना है, TWRP रिकवरी मोड में, एंड देन आपको जो है यहाँ पर रोम के जिप फाइल को सिलेक्ट करना है, उसका स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अगर आपको इसको रूट करना है तो आप जो है मैजिस को सिलेक्ट कर लो, एंड अगर रूट नहीं करना है तो आप डायरेक्टली रोम को जो है इंस्टॉल कर सकते हो। एंड यहाँ पे जब ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको फॉर्मेट डेटा कर देना है, उसके बाद फ़ोन को रिबूट कर देना, आपका रोम जो है वो बूट हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के गाइज। एंड यहाँ पर इसमें सेफ्टी नेट भी पास है, तो आप बैंकिंग ऐप्स को भी यूज़ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, सो काफ़ी अच्छी रोम है, आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो गाइज। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइज, ओके बाय बाय गाइज़।